नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल आदर्श पंचायत में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पेशा एक्ट के तहत नियुक्त प्रदेश के पेशा अनुसूचित क्षेत्र की 90 जनपद पंचायतों में कार्यरत 5000 से अधिक मोबिलाइजर्स के लिए गुड न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही मोबिलाइजर्स का वेतन होगा दोगुना। ग्राम रोजगार सहायकों के बाद अब बारी है मोबिलाइजर्स की। मोबिलाइजर्स को 2500 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रारंभ से दिया जा रहा था। देखिए दोस्तों, जब से 2020 में नियुक्ति हुई थी तब से ही ग्राम रोजगार सहायकों को 2500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2023 में 1500 रुपये की वृद्धि हुई थी। अभी वर्तमान में 4000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। देखिए दोस्तों, ये आदेश 14 जुलाई 2022 को अगले साल ही वेतन वृद्धि का आदेश जारी हुआ था। देखिए, जिसमें 4000 रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ाया गया था। मोबिलाइजर्स की प्रमुख मांगे, मोबिलाइजर्स को सम्मानजनक वेतन प्रदाय किया जाए एवं वेतन वृद्धि की जाए। मोबिलाइजर्स की प्रमुख मांग है वेतन वृद्धि की, जिसे 4000 से बढ़ाकर 8500 रुपये किया जाए। दूसरी मांग है मोबिलाइजर्स को नियमित किया जाए। मोबिलाइजर्स को नियमित किया जाए एवं नियमित शासकीय कर्मचारियों की तरह उन्हें भी सेवाएं दी जाए। मोबिलाइजर्स को जॉब चार्ट अनुसार कार्य दिया जाए। देखिए दोस्तों, ये मोबिलाइजर्स का जॉब चार्ट है, जिसमें मोबिलाइजर्स के लिए जो जो कार्य करते हैं वो इसमें दिया है। पेशा एक्ट मोबिलाइजर पूर्णतः ग्राम सभा का नियंत्रण करेगा। पेशा एक्ट प्रावधानों के तहत ग्राम सभा में सहयोग करेगा। ग्रामीण जनता सहभागियों को कोरम के आधार पर सुनिश्चित ग्राम सभा का आयोजन करना, शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में समन्वय करना, GPDP निर्माण में महिला समूहों में गरीबी उन्मूलन कार्य योजना में ग्राम सभा में प्रस्तुतिकरण करना, लाभ हितैषी योजनाओं का संचालन करना, मिशन अंत्योदय सर्वे एवं अन्य पंचायती राज संबंधित अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का सहयोग करना, ग्राम सभा सम्मेलन पेशा अनुसूचित क्षेत्र की गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग करना, ग्राम पंचायत अंतर्गत आयोजित होने वाले शिविरों प्रशिक्षणों एवं समस्त प्रकार की गतिविधियों में प्रेरक भूमिका का कार्य ग्राम मोबिलाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत अंतर्गत संचालित समस्त अभियानों जैसे ग्राम पंचायत विकास योजना, जन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, समग्र स्वच्छता के कार्य, शौचालय निर्माण आदि निर्माण कार्य में प्रेरक की भूमिका निभाई जा रही। प्रधानमंत्री आवास योजना निर्मित आवासों की गुणवत्ता एवं निरख परख के कार्य करेंगे। ग्राम पंचायत में समय समय पर सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जॉब चार्ट है। मैं आपको ये जॉब चार्ट मेरी डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक भी आपको डाल दूँ, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबिलाइजर्स को जॉब चार्ट अनुसार कार्य दिया जाए, मोबिलाइजर्स को भत्ता दिया जाए। बहुत से अधिक पंचायतों में 3 से 4 ग्राम है जहाँ पर उन्हें आवागमन के लिए भत्ता दिया जाए। मोबिलाइजर से क्या कार्य, पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा का संचालन करना, समग्र पोर्टल पर समग्र ID बनाना, KYC करना, और ये महत्वपूर्ण कार्य प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी योजना लाडली बहना योजना में मोबिलाइजर्स के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। मोबिलाइजर्स के द्वारा KYC करना हो, बैंक खाते खुलवाना हो, उनके ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, ग्राम रोजगार सहायकों की हड़ताल अवधि में मोबिलाइजर्स के द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक किया गया। प्रधानमंत्री आवास की जियोटेक का कार्य मोबिलाइजर्स के द्वारा किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन और जॉब चार्ट अनुसार कार्य किए जाते हैं। ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा प्रदेश विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। बहुत से ऑनलाइन कार्य मोबिलाइजर के द्वारा किए। देखिए दोस्तों, ये तीनों आदेश मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जॉब चार्ट का भी, क्या आपका जॉब चार्ट है, आप ये वहाँ से डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे ही वेतन वृद्धि के संबंध में या महापंचायत के संबंध में कोई आदेश या अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत जरूर करवाऊंगा। मेरे चैनल आदर्श पंचायत को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।